बंद की जाए। देवास जिले के बागली की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बेहरी में लंबे समय से अनियमितता और भ्रष्टाचार का सिलसिला चल रहा है। एसडीएम को शिकायत मिलने के बाद मंगलवार के दिन बागली तहसीलदार दीपाली जाधव और कृषि विस्तार अधिकारी दिनेश भावर ने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बहरी का औचक निरीक्षण किया, जहां पर अनेक लापरवाही व अनियमितता सामने आई। संस्था के निरीक्षण के दौरान खाद बीज स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज की जांच की गई, जिसमें खाद वितरण करने वाली POS मशीन बंद पाई गई। संस्था के कर्मचारी द्वारा मशीन में सामग्री संधारण भी नहीं की, जिसके चलते किसानों को खाद वितरण करना संभव ही नहीं है। किसानों को दिए जाने वाला परमिट भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ ही संस्था में मूल्य सूची संधारित नहीं होने के साथ ही खाद बीज व राशन का स्टॉक मेंटेन भी नहीं पाया गया। संस्था में काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इसके साथ ही पूरे परिसर में बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें बिखरी पाई गई, जिस पर तहसीलदार ने कर्मचारियों को काफी लताड़ भी लगाई। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। तो आपके स्टॉक रूम के अंदर घुस के दारू पीते हैं लोग, और आप कुछ नहीं करते हो? मजाक समझ रखा है? तो अंदर कैसे पड़े फिर? ये सब क्या डाला भर रखा है यहाँ पे? इतने गंदे पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना। अभी स्टॉक आप यहाँ रखते हो? इधर अलमारियाँ दे रखी है आपको, इधर कम, इधर पूरा भरा है। बहुत जगह।